लोकतंत्र है, उसमें जनता मालिक है। और मैंने प्रयास किया सच्चाई और ईमानदारी से जनता को भगवान मान के मैं उसकी सेवा की। और मैंने 5 साल में करोड़ों रुपये अनुदान की राशि उन लोगों को मदद करने का काम किया जो सरकार का सक्रिय है। जनता की सेवा भगवान की सेवा। पत्रकार महोदय, जो लोकतंत्र है उसमें जनता मालिक है। और मैंने सभी अपने को सेवक दिया। 18 वर्ष में पंचायत समिति आलमगढ़ का प्रमुख रहा। 95 में मुझे जनता दल से टिकट मिला। जब बीबीसी लंदन के पत्रकार गए घूमने के लिए महागरीब के लिए, पूछा कि आपने किसको वोट दीजिएगा, मणिकांत ठाकुर साहब, लोगों ने कहा कि मैं प्रमुख यादव को वोट दूंगा। प्रमुख यादव तो नहीं, लेकिन काम करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। तो मैं बिल्कुल एक साधारण परिवार से आता हूँ, मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी 9 साल तक मुखिया थे, ईमानदारी से उन्होंने सेवा की। और मैं शैक्षणिक जीवन में काफी मेधावी छात्र था। स्नातक की मैंने डिग्री प्राप्त की। और जो लोगों की पीड़ा थी, जो कष्ट था, मैंने नजर से देखी। जब मैं कॉलेज से आता था, पिताजी के सामने बैठता था, लोगों की पीड़ा और कष्ट को मैं देखता सुनता था। और उससे मैं प्रभावित होकर राजनीति में आया। मैं छात्र जीवन में ही डॉक्टर राम मोहलिया, बाबू जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मधुर मिले, पंडित रामानंद तिवारी, जन नायक करती ठाकुर, नीतियों और विचारों से मैं जुड़ा हुआ। और वही भावना मेरे हृदय में आई। 95 में आलमगढ़ विधानसभा से यहाँ की महान जनता ने मुझे चुन के भेजा। और 5 साल तक मैं जमात की राह, अच्छे इंसान की राह और गांव टोले तक मैंने पहुंचने का काम किया। जो बुनियादी समस्याएं थी उसको नजदीक से समझने का काम किया। और मैंने प्रयास किया सच्चाई और ईमानदारी से जनता को भगवान मान के मैं उसकी सेवा की। मैं नर में ही नारायण का रूप देखता हूँ। जो भी आदि मेरे कार मोदक वही मैं क्षेत्र पूछता हूँ, वही गाँव पूछता हूँ, इतना ही पूछता हूँ आप किस काम से, हम क्या दिक्कत है, आपने देखा अगर मेरे यहाँ कोई मेरा गेट लगाने का खुला। रात में जब करीब 10:30 बजे लगभग दर्जनों आदमी अपनी कुछ समस्या लेके आए थे, कोई बीमार थे, कोई पीड़ित लोग थे, सोने की समस्या थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा चादर ला दीजिए जरा सही सोने। और एक महीना में हजारों जो निरीह लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेरे हैं, आते ही जठाने, चाहे कैंसर का पेशेंट हो, किडनी का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट हो। और मैंने 5 साल में करोड़ों रुपये अनुदान की राशि उन लोगों को मदद करने का काम किया जो सरकार का सक्रिय है। तो एक एक मेरे मन में भावना जगी, जनता की ही सेवा भगवान की सेवा। मैं अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, जहाँ भी लोग बुलाते हैं मैं जाता हूँ। और क्षेत्र में पत्रकार मुझे 3 बजे रात तक गाड़ी पर रहता हूँ।
यहाँ शादी है, यहाँ मुंडन है, यहाँ श्राद्ध है, यहाँ भवेट है, लोग बीते हैं भी नहीं जाने का प्रयास करता है। और जो मूलभूत समस्या के पत्रकार हो गए, मेरा क्षेत्र पारदर्शी क्षेत्र जी जी, हर साल कोसी की विभिषता आती है और अनेक सड़कें टूट जाती हैं। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, विजय घाट कोसी नदी पर भी बड़ा खुला अर्जुन की राशि से मैंने मांगे मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया था, बड़ा विश्वास स्थान चला गया और वहाँ उन्होंने घोषणा की और आज विजय घाट पर कोसी नदी का पुला बन गया है। 1936 और बड़े पैमाने पर सामग्रियां आती हैं ट्रक के माध्यम से इस इलाके से और वहीं से 0 माइल खटामा से लेकर कैसा प्रेमी किसने 37 किलोमीटर सड़क है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन्हें स्वीकृत करवाई और आज उस पर चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। मित्तल कंपनी उस पर काम कर रही है। मधेपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरे हैं 43 करोड़ की लागत से, क्योंकि लगभग 300 एकड़ जमीन मेरे हैं गुरुनगर में, तो उसमें छात्र छात्राएं भी कर रहे हैं। आईटीआई संस्थान खुला सकता हूँ, वहाँ भी उसमें लोग अध्ययन कर रहे हैं, छात्र छात्रा अध्ययन कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक धार्मिक स्थान बाबा विष्णु राव का स्थान, उसमें बिहार में अन्य राज्यों से भी लोग दूध चढ़ाने आते हैं। उसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मेला प्राधिकार में गुरुवाने का आज सरकारी खर्च पर वहां मिला है। सुंदर सड़कें वहां तक बनाई गई है, उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ पत्रकार महोदय, जब जब बाढ़ आती है, मैं छोटी नाव से हूँ, बड़ी नाव से हूँ, SDRF की नाव से हूँ, एक एक टोले में मैं जाने का प्रयास करता हूँ, उसका दुख उसकी पीड़ा को जानने का प्रयास करता हूँ। पैदल भी चलता हूँ जहाँ सूखा है और कहीं ऊंचे जगह पर भी पकड़ पकड़ के चलता हूँ कि उस गांव उस टोले में हमको जाना पड़े और संबंधित पदाधिकारियों से भी मैं बात करता हूँ, कैसे उनके दुख उनकी पीड़ा को समाप्त कर, चाहे नाव का मामला हो, राशन तेल का मामला हो, या GR का मामला हो, या चारा का मामला हो, या दवाई का मामला हो, हर और मैंने नजर रखने का काम किया है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक हमारे इलाके में सड़क है 0 माइल प्रधान से परेल डटवारा तक जाकर 1987 की बाढ़ में ध्वस्त 50,000 की आबादी का वह लाइफ लाइन था। और जब 2008 में भीषण त्रासदी आई कोसी में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोसी आपदा पुनर्वास पुनर्निर्माण योजना चल रही वर्ल्ड बैंक से राशि मिली जी सर, जी सर, और 2,32,00,00,000 की लागत से अनेक जगह जो ध्वस्त होने थे उसको हम लोगों ने बन लिया और आज हम कोसी के किनारे सवारी से जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हुई पत्रकार महोदय कि पीहपुर NH-31 से पुलोत होते हुए रात किशनगंज तक 14,78,00,00,000 की लागत से कोसी नदी पर महासेतु 4 लेन और बिहपुर से लेकर फलोक उदार किसमें तक डबल लेन की सड़क की आधारशिला वर्चुअल शिलान्यास के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 21 सितंबर को रखने का काम किया। एक बहुत बड़ा सपना सर पूरा हुआ हमारे इलाके का। अब हम लोग सीधे अन्य प्रदेश से जुड़ जाएंगे मिथिला राशि से, ये मेरी कल्पना थी, ये मेरी सोच थी और मैंने पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 5 बार मुलाकात की। गडकरी साहब के जरिए पर जाते हैं, मैंने वहाँ की समस्या को रखा और आज उसके बाद
अनेक जगह हमने स्टेडियम का निर्माण करवाया और पर्यटन विभाग से चाहे धातवीय स्थान हो, चाहे भगवतीय स्थान नया नगर हो, चाहे धुमावती स्थान कुलोत हो, उनके सौंदर्यीकरण का काम बहुत जगह संपन्न हो गया, बहुत जगह चल रहा था। तो और कब्रिस्तान, अनेक कब्रिस्तान थे जिसकी घेराबंदी नहीं हुई जी सर, और लगातार गृह विभाग से संपर्क करके अनेक कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई करवाने का काम, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो, हर बार हर जगह मैंने लोगों के बीच जाने का काम किया। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 45 ग्राम पंचायत में प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल की स्वीकृति मिल गई है। अब हमारी बेटी, हमारी छात्राएं दूसरे जगह नहीं जन करके पंचायत में वर्धमान तक शिक्षा प्राप्त कर रही है। पुरैनी प्रखंड, नरसिद्धि प्रखंड काम हो रहा, हमसे पहले वो बन रहा। मैंने विधानसभा में प्रश्न करके विभागीय मंत्री से मिलकर वहाँ 12 करोड़ की लागत से मकान बनवाने का काम, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बहुत सुंदर बना है पुरैनी में, मॉडल थाना बना है पुरैनी प्रखंड, आलमनगर मेरा प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ भी मॉडल थाना हम लोगों ने बनवाया और वहाँ भी CSC का निर्माण, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का, चौसा में मोदी CSC हम लोगों ने बनवाने का काम किया। हमारे अनुमंडल में अनुमंडल व्यवहार लिया नहीं था, लोगों को 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूरी तय करके बस पर चढ़ करके मधुपुरा जाना पड़ता था। हमें अनुमंडलीय व्यवहार निभाया, स्थापना में अहम भूमिका निभाई जाती है। अनुमंडल बना, भवन नहीं था प्रस्ताव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नहीं थे, बहुत सुंदर मकान बना था अनुमंडल इलाके में। पहले बिजली का स्कूटिंग जब मधुपुरा बोलता था, मैंने ऊर्जा मंत्री से मिल के बोला कि सुनना मेरा अनुमंडल वहाँ डिवीजन को स्थापित करवाए और सैकड़ों जले ट्रांसफार्मर को हम लोगों ने बदल बनने का कर, इसकी साथ साथ पत्रकार हम लोग जो मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वज्रपात से किसी की मौत हुई, चाहे सामूहिक दुर्घटना में मौत हुई, या नाव पलटने से मौत हुई, पानी में डूबने से मौत हुई, ऐसे पीड़ित परिवार से मैंने मिलने का पोस्टमार्टम करवाना है, डेढ़ बजी रात में गया है, कलेक्टर को कहना है, सिविल सर्जन को कहना है, कलेक्टर साहब डेढ़ बजी लेकर के बैठा हुआ है, तो मैं मंत्री के लिए कर और कैंप लगा है खुदा किसी अनुमंडल में कैंप, या फलोद में कैंप पत्रकार में, या आलमनगर में कैंप, या चौसाहत में कैंप, हर जगह पीड़ित परिवार को खबर करके कि चढ़ चढ़ लाख रुपया जो अनुदान की राशि उनके हाथ में बनाने का, ताकि सरकार की योजना का लाभ उनको मिल सके। तो ये मैंने हर्षा और विद्युत उपकेंद्र, मेरे यहाँ एक शहजादपुर गांव है, वहाँ 3,94,00,000 लागत विद्युत उपकेंद्र का निर्माण है, गंगापुर में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण, मिनी वाटर प्लांट हमने अपने इलाके में लगाने का काम किया, और जल योजना ये चल रही है, उससे पहले हम लोगों ने मिनी वाटर प्लांट लगाने का काम किया, यहाँ पर पानी आपूर्ति हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उदा किशनगंज से बिहारीगंज, मुंगी में मारखंड, जेदिया, छातापुर को SH-91 सड़क हम लोगों ने बनवाने में अहम भूमिका निभाई, सीधे हम लोग NH के पैदल इस रूट को बनवाए और NH-106 में विलम्ब हुआ। उदा किशनगंज से जो बीरपुर है उसमें 3 टुकड़े में काम चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन भी हो गया, बरसात भी जारी रही आती, फिर भी बहुत हद तक जो पहले सड़क क्षतिग्रस्त थी उसको ठीक करने में मिलता नहीं है। मुख्यमंत्री ग्राम टोला संपर्क योजना, या मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना हो, या प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना हो,
अपने इलाके को उसे जोड़ने का काम, जो सड़कें ध्वस्त हो गई थी उनकी भी मरम्मति के लिए मैंने लगातार पत्र लिखा, प्रयास किया, विभागीय मंत्री से संपर्क किया, बहुत सड़क का टेंडर उसमें हो गया है। वर्ल्ड बैंक से भी हमने 50 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया अपने इलाके में, वही कोसी यादा निर्माण। इन सारे चीजों को मैंने अपनी क्षमता से जहां तक मुझे मन पर आमन किया, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। 1995 में प्रथम बार जीत गया था, मेरी बाबू जी जब मैं गाड़ी पर बैठा खड़े हो गए उतर गए, बाबू जी कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने कहा तुम की रहो की भागे, ककरो ठकियो ने और अभ्यागत का एक गिलास मैं कुछ उतर एक गिलास पानी, उन्होंने कहा। और हमारे बॉडी गार्ड से पूछते थे कहा कि नरेंद्र पैसो ले छे पैसो कम ले छे, मेरा अगर प्रथम वेतन मिला तो हमने धोती कुर्ता गोली का कपड़ा उनके लिए मिले। जब मैं 6 महीना बाद गया ऐसे उपकरण को रखा हुआ हमने पूछा नहीं सिला तो कथी ले दिल थोड़ा कहाँ से पैसा पस हम गाछ लगाए दिलिए गाछ काट के बेटी के बिहार के और हम आलू प्याज चावल गेहूँ तरह दे छे तो नहीं दिया हमारा कुछ कभी कुछ नहीं। वो 10 दृष्टिकोण से देखे छे नेता याद रखिए हमेशा जो पत्रकार मुझे आपने चर्चाएं की बहुत सटीक बात आपने कही ये भावना कि लोगों की हम सेवा करें एक सेवक बन सकते हैं जैसे भगवान राम की भगवान कृष्ण ने किया ये तो मन में भावनाएं उत्पन्न होती कोई बना नहीं सकता किसी को। और पहले की जो राजनीति थी अब की राजनीति है उसमें बहुत अंतर है और भी चिंता का विषय है लोकतंत्र। हम आपके माध्यम से भावी पीढ़ी से यही अनुरोध करना चाहते हैं लोकतंत्र में जनता है, मेरा छोटा सा दरवाजा है पत्रकार में 1000 से 1500 आदमी आते हैं, खड़ा सड़क पर चला जाता हूँ जीप पर खड़े होकर के मैं लिखता हूँ, जब तक सब नहीं बैठ जाएगा तुम खड़ा रहता यही मालिक है वही उसी ने हमको यहाँ भी चढ़ा दी वो खड़े तो मैं क्यों बैठा तुम्हें बैठिए उसके दरवाजे पर उसके दर बैठा करके तब मैं काम शुरू करता हूँ। एक भी मतदाता मेरा खड़ा नहीं, हमारा एक प्राइवेट सेक्रेटरी था निर्णायक दास ईमानदार कहते थे ये सोने की वक्त में प्रत्येक दिन 12:30 सोता है मेरे टेलीफोन आता है, उन्होंने कहा कि दिन भर आप क्या गलती किए उसी पर विचार कीजिए कैसे सुधार हो दूसरे दिन सोचिए, हमारी बोली से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे मुझे प्रयास है। और मैं आपके माध्यम से विभिन्न दल के जो राजनीतिक साथी हैं मैं यही चाहूंगा वो जनता को मालूम है लोकतंत्र है। पत्रकार महोदय दल माँ के समान होती है, पार्टी माँ के समान होती है। जिस पार्टी में मैं रहा मैंने पहले ही कहा डॉक्टर राम मोरैया आचार्य मंदिर बाबू जय प्रकाश नारायण अधीन इन लोगों की सभा होती थी तो इतना लाइव में सुनने जाता था बैठ के कांत में सुनता था जमा और उनकी भावनाएं से मैं प्रभावित हुआ और जिस जैसे जैसे वो विचारधारा घूमती गई वैसे वैसे मैं घूमता गया। मैं पहले जनता पार्टी में था 77 में, फिर लोक दल में आया पत्रकार में था, फिर दलित मजदूर किसान पार्टी में मैं आया, उसके बाद जनता दल यू में मैं आया, फिर जब जनता दल
जनता दल से राजद का अलग हुआ, राजद पार्टी बनी, मैं वहां नहीं गया, मैं मूल पार्टी में हुआ। और इसलिए पार्टी माँ के समय उसकी पीड़ा, उसका दर्द हृदय में रहता है, मेरी पार्टी कैसे बढ़े, कैसे आगे जाए। और मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि, और हर व्यक्ति को चाहिए जिस दल में, क्योंकि अनेक लोग दल के उम्मीदवार होते हैं एक दल, ये अच्छी बात है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन जब दल निर्णय कर ले पत्रकार हो जाए तो उसको सबको मानना चाहिए, अनुशासित सिपाही होने और अपनी क्षमता भर अपने प्रत्याशी को जिताने में ताकत लगानी चाहिए। पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि आप मधेपुरा लोकसभा से उम्मीदवार टिकट मिली दिनेश चंद्र बाबू, 88 किलोमीटर मैंने पैदल यात्रा अपने इलाके, और रिजल्ट जो आया 86,120 वोट से दिनेश बाबू हमारे इलाके से जीते, दिन रात मेहनत करते रहे, हमको पार्टी को जीता। और यही मैं आशा रखता हूं जो जिस दल में है पत्रकार महोदय, उस दल में भी पार्टी तो किसी एक को भी करते, आदमी इस धरती पर आता है खाली हाथ चला होता, कुछ लेके नहीं। आज जननायक कर्पी ठाकुर हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके विचार, उनकी नीति, उनके कार्यक्रम सब वो अमर हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।